नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों साल 2023 एंड होने जा रहा है, दिसंबर का महीना चल रहा है, नया साल आपके लिए एक फिर से स्टार्ट होने जा रहा है साल 2024। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका लगातार भर्तियों की तैयारी को लेकर के चक्कर चलता रहता है, साल दर साल चलता रहता है, लेकिन उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा। गलतियां बच्चे कहाँ पे करते हैं, वो साल 2024 में स्टार्टिंग से आपको किस हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि जिस हिसाब से लगातार आपका जो असफलता का चक्कर चल रहा है साल दर साल, वो खत्म हो जाए। किस प्रकार की बच्चे गलतियाँ करते हैं जिनसे आपको बचना है, और किस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए थोड़े समय में। देखिए, सरकारी नौकरी लगना कोई बहुत बड़ा मतलब पहाड़ तोड़ने वाला काम नहीं है, लेकिन गलतियां बच्चे करते हैं भी। पहले भर्ती के बारे में पूछते हैं, सर भर्ती कब तक आएगी, जब भर्ती आ जाती है तो उसके बाद में किताब के बारे में पूछते हैं, उसके बाद में सर एग्जाम कब तक होगा। अब बच्चे तैयारी करने वाले बच्चों को एग्जाम की जल्दी नहीं होती, उनको टेंशन होती है, ठीक है। और जब एग्जाम की डेट आ जाती है तो उसके बाद में एडमिट कार्ड कब तक आएगा, और एडमिट कार्ड भी आ जाता है, एग्जाम भी हो जाता है, उसके बाद में वही कहानी, उसमें भी फेल हो जाते हैं, और फिर अगली कहानी दोबारा से, ये चक्र है वो इस प्रकार से चलता रहता है। तो 24 में आपको स्टार्टिंग से ही आपको किस हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे साथ में बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए, तो आपको 24 में पढ़ाई किस हिसाब से करनी चाहिए, मेरी जो राय है, मेरी जो ओपिनियन है, मेरा जो मार्गदर्शन है, ये स्टार्टिंग से देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बहुत सारे बच्चे भर्तियों के बारे में पूछते हैं, तो कुछ इस प्रकार की भर्तियां जो प्रबल संभावना है 24 में IIT और डिप्लोमा की, उनकी भी अपन थोड़ी सी बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए। असफलता का जो मेन चीज़ है ना, मेन जो कारण है, जो मुझे लगता है, और इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे टाइम से बच्चों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, बच्चों किस प्रकार के बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, किस प्रकार के बच्चे वो थोड़े समय के अंदर भी सिलेक्शन ले रहे हैं। सिलेक्शन नहीं होने का जो मेन कारण है ना, सबसे पहला कारण वो ये 2 महीने की पढ़ाई वाला कारण। जब भर्ती आई, 2 महीने पढ़ाई कर ली, आनंद फानंद में पढ़ाई कर ली, चीज़ों को समझा नहीं, फिर से उस भर्ती के अंदर असफल हो गए, नई भर्ती आई, वही 2 महीने वाली तैयारी फिर से है। यानी कि पीछे 2 महीने पढ़ाई की थी वो वैसे ही चली गई, क्योंकि चीज़ों को ढंग से समझाई नहीं, तो अगली भर्ती में चीज़ें काम ही नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें उनको याद ही नहीं है। इस हिसाब से चीज़ें चलती रहती है। अगर आपको सफलता पानी है ना, तो वो चीज़ें जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है, उन चीज़ों को पहले आपको तैयार करके बैठना होगा। जैसे कि IIT वाले बच्चे हैं, टेक्निकल कंप्लीट आप पहले से तैयार करके बैठ जाइए, अच्छी तरीके से टेक्निकल तैयार कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न अच्छी तरीके से लगा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लगा लीजिए, उसके बाद ही उन सब चीज़ों का रिवीजन कर लीजिए। इसी हिसाब से जो बच्चे डिप्लोमा वाले JEE की तैयारी करने वाले हैं, चाहे आप किसी भी ब्रांच से आते हो, आपकी ब्रांच से 6-7 सब्जेक्ट है, वो कोर सब्जेक्ट होते हैं JEE के लिए, उन सब चीज़ों को आप अच्छी तरीके से तैयारी करके आप एग्जाम के अंदर जाना। एक बार स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगेगा, तैयारी करना भी मुश्किल होता है, और भर्तियों से थोड़ा सा दिमाग हटाना भी मुश्किल होता है, लेकिन जब आप 4-6 महीने ये काम कर लोगे अच्छी तरीके से, तो आपके अंदर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा सरकारी भर्ती को अटेंड करने के लिए, और रिजल्ट भी आपका बदल के आएगा, बेहतर रिजल्ट आएगा, ठीक है। यह चीज है सबसे पहली चीज। देखिए, जो बच्चे JEE की तैयारी कर रहे हैं ना, मैं ये मानता हूँ कि 5-6 महीने में आप अपना टेक्निकल बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की प्रैक्टिस और रिवीजन 5-6 महीने का टाइम है, रेगुलर आप पढ़ाई करोगे तो ये मेरे हिसाब से सुफिशियंट टाइम है। और जो IIT वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए जो टेक्निकल आपका पार्ट है 3 से लेकर के 4 महीने, एक बार इन चीज़ों पर फोकस करके एकांतवास में बैठ करके आप पढ़ाई कर लीजिएगा, उसके बाद में आपके अंदर देखना कितना अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, किस हिसाब से आपका पेपर जाता है, ये चीज़ आप करके देखिए। 2-2 महीनों वाला चक्कर तो आपका सालों से चल ही रहा है, एक बार उसको छोड़िए। कोई भी भर्ती आए, IIT से हो आप, चाहे आप डिप्लोमा से हो, टेक्निकल तो आपको हर हाल में करना पड़ेगा, और हर भर्ती में टेक्निकल में बेहतर स्कोर करना पड़ेगा, तो क्यों ना अपन पहले इन्हीं चीज़ों पे फोकस करें। मैं देखता हूँ बच्चे घर से बाहर जाते हैं, दुनिया की भीड़ में खो जाते हैं, जब तक घर पे बच्चा रहता है ना, उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन जैसे ही घर से निकल के सिटी में गए, जयपुर गए, उसके बाद वो देखता है कि यार मैं जिस भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ, इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, जिनके 10th में ये परसेंट है, डिप्लोमा में ये परसेंट है, उनके IIT में ये परसेंट है, मैं तो इनके आगे कुछ हूँ ही नहीं, तो
वो डीमोटिवेट हो जाता है वहाँ पे। या फिर दूसरा ये होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरी भर्तियों की तैयारी कर रहे होते हैं। एक बच्चा पीजी शेल की तैयारी करने के लिए घर से बाहर गए, 5 बच्चे ऐसे मिल गए लाइब्रेरी में जो ALP टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में वो बात जरूर आती है कि यार ये सब ALP टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो ये अच्छी भर्ती है। क्योंकि वो बच्चे बोलेंगे भी यार ये तुम तैयारी कर रहे हैं इससे तो बड़ी भर्ती है और जल्दी आएंगे, ये टीचर बोल रहे हैं वो टीचर बोल रहे हैं। तो आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना, सबसे पहले आपको उसके प्रति प्रतिबद्ध रहना पड़ेगा। और प्रतिबद्ध रहने के लिए सबसे पहला जो काम है ना आपका यही होना चाहिए, टेक्निकल 2024 स्टार्ट होते ही अच्छे तरीके से कर लीजिए, बार बार भर्ती में तैयार नहीं करना पड़ेगा और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, रट्टा मार रहे हो, तो एक एग्जाम में उन चीज़ों को याद रख लोगे, अगले एग्जाम तक वो सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाएगी। चीज़ें इस हिसाब से पढ़ो कि 100 में से अगले एग्जाम तक कम से कम 70% चीज़ें पिछले ही काम आ जाए, ताकि अगली भर्ती में फिर से थोड़ा और तैयारी करें तो अपन और ज़्यादा स्कोर को बढ़ा सकें। पहली चीज़ तो ये मैं ये मानता हूँ कि आपको घर से बाहर जाने की बजाय आज के टाइम में सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है। आपके घर के अंदर कोई इस प्रकार का कमरा है जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, सारा स्टडी मटेरियल पहले कलेक्ट कर लीजिए, एक एक करके बस उन्हीं को ख़त्म करने पे लग जाइए, दिन और रात मेहनत करके जितना आप पढ़ाई कर सकते हो, कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो इस प्रकार का घर का रूम। लाइब्रेरी जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें आजकल मोबाइल में अवेलेबल है। लेकिन मोबाइल को आपको कम से कम टाइम देना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम बच्चे वेस्ट कर देते हैं। तो पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए, आप IIT से हो चाहे आप डिप्लोमा से हो, 2024 स्टार्ट होते ही आज मेरे साथ में कमेंट करके वादा कीजिए कि मैं पहले अपना टेक्निकल वाला पार्ट है उसको बेहतर तरीके से उसको तैयार करना, हर चैप्टर के चैप्टर वाइज ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाना और उसके बाद में रिविजन करना, उसके बाद में ही भर्ती के बारे में पूछूंगा सर भर्ती कब तक आएगी। ऐसे तो भर्तियाँ आती रहेगी जाती रहेगी, चक्कर आपका भी वैसे चलता रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि जब तक जो हर एग्जाम में पूछी जाने वाली चीजें है ना, जब तक मान लीजिए कि 100 नंबर का पेपर है उसमें से आप 85-90 नंबर लेके आने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप उसके बारे में पूछने के भी हकदार ही नहीं हो, पहले आपका काम कंप्लीट होना चाहिए। ये चीज़ें होगी तैयारी करने के लिए, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी, बच्चे आप इसको फॉलो करोगे, ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद भर्तियों के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, तो IIT के लिए तो वैसे भी मैंने अलग से कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, जैसे कि DRDO है, सेप्टम 11 की वैकेंसी उम्मीद करते हैं कि 24 लास्ट तक आने की संभावना है। उसके बाद UPPCL और UPRVL दोनों के अंदर भर्ती आने की संभावना है। UPPCL में तो ये करंट में जो भर्ती चल रही है ना, इसका रिजल्ट जारी होकर के ज्वाइनिंग दे देंगे, तो उसके बाद में तुरंत 700 के आसपास में वैकेंसी RTI में रिप्लाई दिए, वो भर्ती तुरंत आने की संभावना है। UPRVL में हर साल भर्ती आती है लेकिन 22 के बाद 23 में भर्ती आई नहीं, तो 24 में भर्ती आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। इसी हिसाब से DMRC है, तो DMRC में भर्ती आने की संभावना है, क्योंकि DMRC में जब वैकेंसी आती है तो 3 प्रकार की पोस्टिंग होती है, असिस्टेंट मैनेजर, JEE और मेंटेनर। JEE और मेंटेनर के जो फाइनल पैनल थे ना वो खत्म हो चुके, एक्सपायर हो चुके, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर वाला जो पैनल है वो खत्म होगा शायद 23 फरवरी को, तो 23 फरवरी के बाद में नई भर्ती पे ये काम करना स्टार्ट कर देंगे। हालांकि मैं मानता हूं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है DMRC में, लेकिन सारी चीज़ें प्राइवेट से नहीं चलती है, जैसे कि अपन देखें तो UP मेट्रो में भर्तियाँ निकल रही है, गुजरात मेट्रो में भर्तियाँ निकल रही है और DMRC में 2019 के बाद भर्ती नहीं निकली, तो हो सकता है कम पदों पे आए लेकिन भर्ती जरूर आएगी फरवरी के बाद में, ठीक है। उसके बाद में अपन डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए JEE के बारे में बात करें, तो SSC JEE का आपने कैलेंडर पहले देख ही लिया होगा, 29 फरवरी इन्होंने बताया भी हम नोटिफिकेशन JEE के लिए जारी कर देंगे, 29 मार्च तक फॉर्म लेंगे, जून के आसपास में फर्स्ट स्टेज का एग्जाम हो जाएगा, तो आपके पास में सुफिशियंट टाइम है यार 6 महीने का, तो क्यों ना आपको 6 महीने बेहतर तरीके से स्टडी करके इस एग्जाम में बैठो जून वाले में, है ना। और इसी हिसाब से आपका DRDO उसमें तो भर्ती आती है, UPPCL में AE और JEE दोनों की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, उम्मीद ही है कि मार्च के आसपास में आ सकती है, मार्च के आसपास में JEE की वैकेंसी आ सकती है UPPCL में। और राजस्थान में अगर JEE के बारे में बात करें तो RSCB ने खाली जो JEE की वैकेंसी है
उनके बारे में विभागों को बोल दिया कि हमारे को जानकारी भेजें, तो हो सकता है ये भी नए सिरे से काम करना स्टार्ट कर दें। और नई नई गवर्नमेंट आई है, पीछे की भर्तियाँ आईटी वाले देखें तो रोडवेज वाली भर्ती है, वो मंजूरी के लिए ऑलरेडी गई हुई है, तो पहले वो भर्तियाँ आएगी जो मंजूरी के लिए ऑलरेडी वित्त विभाग के पास में गई हुई है। रोडवेज वाली भर्ती भी आने की प्रबल संभावना है जल्दी ही। और उसके बाद में अगर अपन देखें तो रोडवेज के अलावा अपन दूसरी भर्ती बिजली बोर्ड वाली 3200 के आसपास ही पद गए हुए हैं, उनमें भी 700-800 वैकेंसी ऐसी है जो कि आईटी लेवल की है, और 300 के आसपास में जेई लेवल की वैकेंसी है, वो भी वित्त विभाग के पास में चुनाव से पहले ही चली गई थी। तो उम्मीद ये है कि जैसे ही भर्तियां आनी स्टार्ट होगी पहले ये भर्तियां आएगी। और राजस्थान में भी नई नई गवर्नमेंट आई है और नया मुख्यमंत्री आया, अभी पहले से परंपरागत जिस हिसाब से चल रहा था ना वो सिस्टम नहीं है, उम्मीद है कि इस बार चेंज है। और नए जो अपने सीएम साहब आए हैं तो उम्मीद है कि ये खुद को साबित करने के लिए चीजें पिछले जो सरकारें चल रही थी उनके बजाय कुछ अलग तरीके से करेंगे, है ना। और पेपर लीक वगैरह के बारे में भी बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग से ही वो काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से भर्तियां बहुत सारी आएगी, लेकिन आपको पहले काम यही करना पड़ेगा, आपका टेक्निकल है ना वो हर हाल में तैयार होना चाहिए। तैयार भी इस प्रकार से होना चाहिए कि चीज़ें आपके दिमाग में सेट है, वो चीज़ें आती है, आपने रटी नहीं है, वो चीज़ें आती है। एक एग्जाम में असफल हो भी जाओ तो अगले एग्जाम में थोड़ा और पढ़ो, पीछे वाली चीज़ें याद है ना, तब तो उस अगले एग्जाम में पिछले की तुलना में बेहतर स्कोर कर लोगे। लेकिन दो दो महीने की तैयारी वाले फॉर्मेट में चलोगे ना तो आपका जीवन चक्र ऐसे ही चलता रहेगा, ये कोई मतलब वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आप जरूर फॉलो करोगे, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, और वीडियो को डिस्कशन आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी और अपडेट वहाँ पर आपको मिलती रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।